जब पानी आपका सही नहीं है, आपका फीस अदा नहीं है, आपका कनेक्शन दर्ज नहीं है, तो आपकी जो ये वजू है या साफ सुथराई है ये सही नहीं। जो हम लाइन पे बूस्टर्स लगाते हैं, बोटर्स लगाते हैं, वो उससे दरे करें कि उससे वैक्यूम, हमारे पाइप नेटवर्क में वैक्यूम क्रिएट होता है और फिर पानी आगे नहीं चलता है। जो हमारे टेल एंड पे हमारे सार्फिन होते हैं उनको बहुत मुश्किलात होती हैं, उन तक पानी पहुंचता नहीं। अपील है जिनका रजिस्टर्ड कनेक्शन है वो इस वेबसाइट पे जाके या एमपे के थ्रू भी अपना कंज्यूमर आईडी देके इस पे अपना जो फीस है वो अदा करें। जिनका कनेक्शन हमारे महकमे के साथ दर्ज नहीं है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ वो हमारे साथ जुड़ जाएँ, हमारे साथ दर्ज करें अपना फीस कनेक्शन जो है वो लीगलाइज कर दें। हम उनको बहुत ही, इसमें आप ऑनलाइन करना है, इसमें ह्यूमन इंटरफेस हमने बहुत कम कर दिया है। अपने घर में बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें उनको अपलोड करने हैं, वो उनका कनेक्शन घर बैठे बैठे रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं आखिर में फिर से अपने सरफिन से मोदीबाना गुजारिश करता हूँ, फीस अदा करें। जी मैं अपने मोजस जो हमारे सरफिन हैं उनसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो पानी है ये अल्लाह की तरफ से हमें नेमत है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ पानी का सही इस्तेमाल करें। और दूसरा, जो हम लाइन पे बूस्टर्स लगाते हैं, बोटर्स लगाते हैं, वो उससे दरे करें कि उससे वैक्यूम, हमारे पाइप नेटवर्क में वैक्यूम क्रिएट होता है और फिर पानी आगे नहीं चलता है। जो हमारे टेल एंड पे हमारे सार्फिन होते हैं उनको बहुत मुश्किलात होती हैं, उन तक पानी पहुंचता नहीं है। दूसरा, इस वक्त जो मैं खसूसी तौर पर अपने मुजर सार्फिन से ये अपील करना चाहता हूँ, जो हमारी वाटर यूजेज बिल्स हैं वो हमने हमारे वेबसाइट पे लाइव कर दी हैं, 2 दिन पहले वो लाइव हो गई हैं। मेरी सबसे अपील है जिनका रजिस्टर्ड कनेक्शन है वो इस वेबसाइट पे जाके या एमपे के थ्रू भी अपना कंज्यूमर आईडी देके इस पे अपना जो फीस है वो अदा करें और अच्छा शहरी होने का सबूत दें। जो इस सिलसिले में क्या है, इसमें इखलाकी पहलू भी है और हमारा इसमें मजहबी पहलू भी है। इखलाकी पहलू यही, जो हम अपना फीस, अपनी जो अपने फ़राइज़ हैं, जो अपने हकूक हैं वो अदा करें तो अच्छा शहरी देने का सबूत पेश करें। दूसरा, इसमें जो मजहबी पहलू है, जो हम अपना ये पानी यूज़ करते हैं, अगर हम इसका पूरी तरह से फीस अदा नहीं करेंगे, हमारे सारे मज़हबों में जो है इबादत से पहले हम अपनी साफ़ सुथराई करते हैं, जैसे वुजू हो गया, या हमारे पूजा पाठ जो हमारे हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं अपने तरीके से इबादत करते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपनी साफ़ सुथराई करेंगे। उसमें क्या है, जब पानी आपका सही नहीं है, आपका फीस अदा नहीं है, आपका कनेक्शन दर्ज नहीं है, तो आपकी जो ये वुजू है या साफ सुथराई है ये सही नहीं है। जब आपकी साफ सुथराई सही नहीं है तो आपकी नमाज, आपकी इबादत कैसे सही हो सकती है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ जिन भाइयों को कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं वो अगले 7 दिनों में अपना फीस अदा करें ऑनलाइन। अगर किसी को इसमें कोई मुश्किलात है हमारे दफ्तर में आ जाएं या हमारे फ़ोन नंबर्स पे हमारे साथ वो रब्ता कर सकते हैं, उनको अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा कैसे ये ऑनलाइन वो अपना फीस भर सकते हैं। दूसरा, वो सार्फिन, क्योंकि शहर श्रीनगर में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पानी का कनेक्शन नहीं है, तो जिन सार्फिन या जिन मोजस जो हमारे शहरी हैं जिनका कनेक्शन हमारे महकमे के साथ दर्ज नहीं है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ वो हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ दर्ज करें अपना फीस कनेक्शन जो है वो लीगलाइज कर दें। हम उनको बहुत ही, इसमें आप ऑनलाइन करना है, इसमें ह्यूमन इंटरफेस हमने बहुत कम कर दिया है। अपने घर में बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें उनको अपलोड करने हैं, वो उनका कनेक्शन घर बैठे बैठे रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं आखिर में फिर से अपने सरफिन से मोदीबाना गुजारिश करता हूँ, फीस अदा करें। जिनका कनेक्शन रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्टर करें, और सबसे ज़्यादा जो पानी का इस्तेमाल है
वो बिल्कुल इसका जो है सही इस्तेमाल, ये पीने का पानी है तो पीने के लिए ही इस्तेमाल करें। बाकी वस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जो अर्ज़ कर रहा था, हमें कुछ नई कॉलोनीज डेवलप होती हैं, उनके लिए हम ड्यूरिंग द ईयर जो होता है अपना फाइनेंशियल ईयर में, हम उनको एनविसेज करके उनको हम बाय एंड बाय सबको हम पानी के इसमें नेटवर्क में लाते हैं। जो रह जाते हैं वो अगले साल में आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारा नया, मैं बता दूं, हमें शहर श्रीनगर के लिए ख़ास तौर पे हमारा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अमरुत 2.0, वो इस वक्त अप्रूव हो गया है और उसके तहत हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एनविसेज किए हैं। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो है वो हमने उनको किया है, इसमें इंक्लूड किया है अपने इस अमृत प्रोग्राम में। अगले एक साल या डेढ़ साल तक शहर श्रीनगर में कोई ऐसा घर, वो इस वक्त भी नहीं है, लेकिन सर्विस लेवल कभी किसी जगह कम होगी, किसी जगह ज़्यादा होगी। अमृत 2 में जो है हमारा सर्विस लेवल लेके और 24/7 पानी चलेगा। तो ये कुछ प्रोजेक्ट, इसमें जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें इंशाल्लाह सबका अजाला हो जाएगा।